भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के धनगाई थाना क्षेत्र के केशरी गांव में ससुराल वालों ने दहेज के लिए जहर दे विवाहिता की हत्या करने के मामले में पुलिस की दबिश के बाद पति ने कोर्ट में सरेंडर किया है। बिजली कंपनी ने बिजली चोरी के मामले में 4 पर किया केस दर्ज। कनीय अभियंता जयराम कुमार ने दस्ते के साथ छापेमारी की। कंपनी ने 4 लोगों पर जुर्माना भी लगाया। इक्कीस पंचायतों के मुखिया व किसानों को प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत जल छाजन विकास समिति का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में बुधवार से शुरू हुआ। सहार थाना क्षेत्र के निरुखी में एक स्कूल की मैजिक गाड़ी पर छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। इस मामले में लोगों ने 2 युवकों को पकड़कर उनकी पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि मैजिक चालक के आवेदन पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। शहर की हाउसिंग कॉलोनी चंदवा में अपने घर से 13 अक्टूबर की सुबह में टहलने निकले बुजुर्ग बबन सिंह का 4 दिन बाद भी नहीं चल पा रहा है पता। उस दिन के बाद से वे घर नहीं लौटे हैं। इस बारे में उनके पुत्र दारा सिंह ने नवादा थाने में लिखित आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाई है। जिले में मृत आदमी के नाम पर गलत दस्तावेज बनाकर जमीन का दाखिल खारिज कराने का मामला सामने आया है। इसे लेकर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन में जुटी है। आरा में ओवरलोड व अवैध बालू लदे ट्रक ट्रैक्टरों के विरुद्ध खनन विभाग की ओर से मंगलवार की देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में ओवरलोड बालू लदे 3 ट्रकों व अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बॉलीपुर गांव में पूर्व के विवाद को लेकर भाला घोप बीडीसी की भाई की हत्या करने के मामले में मृतक के भाई धर्मपाल सिंह व बीडीसी सदस्य के बयान पर 3 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज। इस दौरान थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने आरोपित उपेंद्र सिंह व पत्नी संगीता देवी को गिरफ्तार किया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बॉलीपुर गांव में पूर्व के विवाद को लेकर भाला घोप बीडीसी की भाई की हत्या करने के मामले में मृतक के भाई धर्मपाल सिंह व बीडीसी सदस्य के बयान पर 3 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज। इस दौरान थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने आरोपित उपेंद्र सिंह व पत्नी संगीता देवी को गिरफ्तार किया। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय सेवा शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर पांडे के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग विश्वविद्यालय पीजी हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीलांबुज सिंह ने की है। डॉक्टर सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने खिलाफ हुए अमर्यादित टिप्पणी पर एतराज जताया है। इस खबर को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। और भोजपुर जिले के तमाम खबरों को सबसे पहले अपने फोन पर पाने के लिए प्ले स्टोर से भोजपुर न्यूज ऐप को इंस्टॉल कीजिए।